मैं आज आपके लिए हाजिर हो चुकी हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ड्राइंग के सेकंड पार्ट लेके। फर्स्ट पार्ट तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आई होप आप भी देख लिए होंगे। और अगर आपने अभी भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने लाइन ड्राइंग एंड फेस का कलरिंग दिखाया है, अभी मैं सेकेंड पार्ट में बाकी ड्राइंग कम्प्लीट करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपने अभी भी रंग कैनवास को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइंग। गाइस आज मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज ड्राइंग का सेकंड पार्ट दिखाने वाली हूँ। सेकंड पार्ट का ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट रिकैप थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो जरूर फर्स्ट पार्ट को पूरा देखो, फिर आप सेकंड पार्ट को देखो। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो आप ये ड्राइंग कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट में ही मैंने ब्लाइंड ड्राइंग ये सब कर दिया है। और फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इतना ही हुआ था हमारे फर्स्ट पार्ट के ड्राइंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेकंड पार्ट का ड्राइंग। मैं फर्स्ट लाइट वायलेट कलर यूज कर रही हूँ, नाउ रोज पिंक, नाउ डीप रेड एंड स्कारलेट, नाउ मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ, नाउ आई एम यूजिंग मीडियम येलो। फ्रेंड्स मैंने इस ड्राइंग में बहुत जगह में सेम कलर यूज किया है, इसलिए मैं आपको सेम कलर का नाम बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये कौन सा कलर है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने कलर के साथ कलर का नाम मेंशन कर दिया हुआ है, तो अगर आपको जरूरत हो तो आप चेक कर सकते हो। नाउ मैं कलर पेंसिल यूज कर रही हूँ। अब देख रहे हो ना मैं कैसे ये पोर्शन स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही एकदम स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करना है। अगर आप ऐसे ही प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग को कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आप ये ड्राइंग कर पाओगे। अगेन मैं डीप येलो एंड मीडियम येलो कलर यूज कर रही हूँ। नाउ पेंसिल कलर यूज कर रही हूँ। नाउ मैं यूज कर रही हूँ मरून कलर। Now deep red and vermilion hue. Now मैं medium yellow color use कर रही हूँ। Friends मैंने इस drawing में जो जो color use किया है वो particular color अगर आपके पास नहीं है तो इसका similar जो भी color आपके पास है आप उसको use कर सकते हो। Now मैं green color use कर रही हूँ। Green portion में मैंने leaf green and light green color use किया है। गाइज अगर आपने अभी भी रंग कैनवास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो एवरी ड्राइंग का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। और अगर आपने अभी भी रंग कैनवास को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो भी नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। और ये ड्राइंग करके आप हमें रंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें भी शेयर कर सकते हो। नाउ मैं ड्रेस का कलर कर रही हूँ। ड्रेस में मैंने ऑरेंज डीप येलो एंड मीडियम येलो कलर यूज किया है। अब मैं इसको कॉटन बार से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं वर्मिलियन ह्यू कलर यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको एकदम स्क्रैच लेवल से स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग सीखना है, एकदम इजी सब्जेक्ट ड्राइंग बुक्स में जैसा ड्राइंग रहता है वैसा ही ड्राइंग, तो रंग कैनवास का और एक जो चैनल है रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट्रू, उस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वो चैनल का ड्राइंग वीडियो अच्छा लगा तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नाउ अगेन मैं मीडियम येलो कलर ही यूज कर रही हूँ।
ये ड्राइंग बहुत ही कंट्रास्टिंग है। अगर आप जो कलर मैंने यूज किया है वो सब कलर अगर आप यूज करोगे तो आपका कलर भी कंट्रास्टिंग होगा। अगर आपके पास वो सब कलर नहीं है, आप दूसरा कलर यूज करोगे, तो ध्यान से करना कि जो भी कलर आप यूज करो वो कलर कंट्रास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि जितना कंट्रास्टिंग होगा तो आपका ड्राइंग फिनिश होने के बाद उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा और उतना अट्रैक्टिव भी लगेगा। नाउ मैं येलो अगर कलर यूज कर रही हूँ, नाउ येलो ग्रीन। नाउ लाइट येलो। ये सब शार्प एजेस है, इसलिए ये सब जगह पे मैंने कलर पेंसिल यूज किया है। अगर आप कलर पेंसिल यूज नहीं करके ऑयल पेस्टल कलर यूज करोगे तो आपको काफी केयरफुली ये पोर्शन करना है, क्योंकि कलर स्प्रेड कर सकता है। गाइस, इस ड्राइंग के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना था तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अभी आप ये ड्राइंग वीडियो को पूरा देखो, एंजॉय करो विद म्यूजिक। और गाइस, इस ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट का ड्राइंग भी आप जरूर देखना, अगर आप पार्ट मिस कर दोगे तो आप ये ड्राइंग प्रॉपरली कर नहीं पाओगे। अब मेरा कलर तो कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं मास्किंग टेप रिमूव करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं मास्किंग टेप रिमूव।
ये था मेरा आज का ड्राइंग। तो कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? अगर ये ड्राइंग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए कि ये ड्राइंग आपको कैसा लगा। और अभी भी आपने रंग कैनवास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, रंग कैनवास को फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना भी मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।